गाइस फाइनली हम आइसलैंड पहुंच चुके हैं। ये हमारा आइसलैंड है, तो आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा आइसलैंड। दीपक आप भी आओगे? देखते हैं कैसे मैं ये स्लिप काट रहे हैं। यहाँ पे हमारे दाई जो स्लिप काट रहे हैं। कितने की है ये स्लिप? ₹20 तो आ जाओ, चलो चार। तो हमारा ये आइसलैंड है दगड़ियों, बहुत तगड़ा बनाया हुआ है ये जो रोड़े होते हैं ना, रोड़ों में पेंट करके मतलब बहुत तगड़ा बनाया हुआ है दगड़ियों। ये क्या से तगड़ा व्यू आ रहा है ना, ये पहाड़ पहाड़ के इलाके में मांगे में बना रखे है दगड़ियों। तो हम आज जाएंगे आइसलैंड, घूमेंगे बढ़िया से, मजे लेंगे और आप भी मजे लो इस इवेंट के, इस ब्लॉग के। तो ये लोग चल रहे हैं, यहाँ पीछे का व्यू देखो, छोटे बच्चों के लिए है स्विमिंग पूल, यहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था बनाई गई है। और ये हमारा स्विमिंग पूल, हम नहा सकते हैं इसमें। और यहाँ बढ़िया नीचे कैफे लगाए गए हैं बाहर पे। और जहाँ तक मैं वीडियो में देख रहा था, पर इसमें खरगोश थे दगड़ियों, अंदर हैं खरगोश, वो अंदर हैं, ढके हुए हैं। और ऊपर भी एक कैफे है, ये दगड़ी है ऊपर का कैफे, यहाँ पे हम कॉफी पी सकते हैं बढ़िया। ये देखो यहाँ पे बढ़िया बैठ सकते हैं आप, कॉफी वॉफी चाय हाई जो पीना है पी सकते हैं। बहुत तगड़ा लगा यार दगड़ियों, मतलब ना सही बनाया है, मतलब बहुत सही बनाया है, मजा आ गया मतलब। तो दगड़ियों ये यहाँ पे का कैफे है और गमले लगाए हुए हैं, और ये फाउंटेन पानी का बनाया हुआ है, और अंदर बढ़िया कैफे है दगड़ियों। यहाँ पे बढ़िया से फ्रेम बनाए गए हैं और आप फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। और ये जो मैं बहुत फोटो देख रहा था, ये दिल का है दगड़ियों, दिल। तो यहाँ पे आप बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, यहाँ पे बर्थडे पार्टी का बनाया गया है। ये देखो बर्थडे पार्टी का बनाया गया है, यहाँ पे बर्थडे पार्टी होगी दगड़ियों। यहाँ पे मतलब ना आप किसी लड़की को ब्रेकअप करना चाहते हो, यहाँ पे ब्रेकअप टी, इसमें तो उल्टा दिख रहा है पर ब्रेकअप टी है दगड़ियों ये। और आपको दिखाते हैं दिल, दिल तुझे देंगे हम सनम, दिल तुझे देंगे सनम। ये देखो यहाँ पे दिल बनाया गया है, पर बढ़िया फ्रेम। और आपको प्लस इजिकल टू जो लव है दगड़ियों, दिल है वो यहाँ फ्रेम में दिया गया है। तो यहाँ पे बढ़िया फोटो मैंने लोगों की देखी, तो ये है, ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं, देखो बढ़िया से फोटो वोटो ले रहे हैं। मैं तो किसी दिन आऊँगा और किसी दिन खींचूँगा, मतलब ना दोस्तों के साथ ही हो। तो दगड़ियों ये दाएं यहाँ का इंचार्ज कौन है, जो इसका इंचार्ज ये है। तो आप थोड़ा आइसलैंड के बारे में हमको बताएंगे, हमारी पब्लिक को, यूट्यूब चैनल है ना मेरा आशीष विश्वपहाड़ी। तो आपने कैसे बनाया, मतलब आपने ये सोच क्या थी आपकी ये बनाने की? सोच ये थी यार भैया, ना यहाँ पिथौरागढ़ में जो है ऐसे कोई पार्क बच्चों के लिए नहीं है, आदमी अपनी फैमिली के साथ घूमने भी जाए तो वो भी नहीं है कहीं, तो वही सब सोच के बनाया हमने कि आदमी अपनी फैमिली के साथ आए, अपने बच्चों के साथ आए तो थोड़ा उसको मिल जाए ये सब चीज़ें। ये यहाँ क्या क्या चीज़ है ये? यहाँ भैया आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा खाने के लिए प्रॉपर, और बच्चों के लिए ये मिक्की माउस मिल जाएगा, ट्रम्पलिन मिल जाएगा, स्विमिंग पूल मिल जाएंगे आपको छोटों के लिए बड़ों के लिए दोनों के लिए। और अभी हमारा एडवेंचर वाला एक चालू होने वाला है, जिप लाइन है, बर्मा ब्रिज है, और रॉक क्लाइंबिंग है, दो चार चीज़ें ये मिल जाएंगी आपको। तो थैंक यू भैया, आपने थोड़ा बहुत आपने हमको बताया। ओके okay. तो दगड़ियों यहाँ पे जंपिंग जपांग पुल जंप कर सकते हो, और यहाँ पे स्लाइड बच्चों का है ये मिक्की माउस का,
और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है, वहाँ कुछ स्विमिंग पूल है दगड़ियों। तो ये है फिर इस तरीके का आइसलैंड। तो सही जगह है फिर, ये तगड़ा व्यू है यहाँ। और दगड़ियों ये है अंदर का कैफे, ये देखो दगड़िए बहुत बढ़िया। यहाँ पे जूस वूस ठंडा अंडा रखा गया है, बढ़िया कैफे बनाए गए हैं। हमारे पिथौरागढ़ में आप आओ और पिथौरागढ़ घूमो और आइसलैंड आना मत भूलो नेगड़ियो। ये है फिर कुछ इस तरह की है, और आराम से भाई। और हमारी दीदी लोग इस कैफे में बैठ चुके हैं। तो ये है दगड़ियों हमारा स्विमिंग पूल। नहाने का मन तो इतना कर रहा है ना दगड़ियों, मतलब क्या बताऊँ, अभी उतना भरा नहीं है दगड़ियों, कमी है ज़्यादा गे। तो दोस्तों हमारी दीदी लोग यहाँ पे बैठे हैं कैफे में। हेलो, हमने मोमोज ऑर्डर किए हैं और कोल्ड ड्रिंक। बहुत बढ़िया, अगर आशीष पिएगा तो वो भी मंगाएंगे। गर्मी हो रही है फिर अभी तो। तो गाइस हम चल रहे हैं अब झूलाघाट। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है। तो दगड़ियों हम जा रहे हैं अभी झूलाघाट। तो आज आपको झूलाघाट दिखाया जाएगा, देखते हैं कैसा है वहाँ की मार्केट। बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ दोस्तों, 3-4 बार तो गया था पर पहले मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। तो अभी ब्लॉग भी बनाऊँगा और आपको कैसा है वहाँ का एक्सपीरियंस, क्या हमें सीखने को मिलता है नया, और आप भी हमारी इस ट्रिप का मजा लो। और मैं तो लूँगा ही लूँगा, आप भी लो फुल मज़े से। सो अभी बैठे हम गाड़ी में और ये अनुदी लोग बैठे हैं। ये पता नहीं कौन है। हम हैं भरगट्टा के आसपास। तो हमारा टूर है आज झूलाघाट, बहुत तगड़ा व्यू है।